Consider this schedule S and answer whether this schedule is recoverable or not recoverable. Okay, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि क्या इसमें WR conflict या WR sequence है क्या, means इसमें dirty read है क्या. Okay, तो अगर आप देखो यहां पर तो ये dirty read है WARA T1 और T3 के बीच में. Okay, WR sequence है बिटवीन T1 एंड T3. ओके, T1 की लिखी हुई वैल्यू को T3 रीड कर रहा हूं ऑन डेटा आइटम A. ओके, इसी को बोलते हैं क्या, डर्टी रीड. तो कहता है कि अगर डर्टी रीड प्रॉब्लम है तो फिर जिस ट्रांजैक्शन ने राइट किया है उसका कमिट टाइम क्या होना चाहिए, जिस ट्रांजैक्शन ने रीड किया है उससे कम होना चाहिए. अगर ऐसा है तो स्केड्यूल रिकवरेबल है. तो चेक करते हैं, मींस T1 का कमिट टाइम लेट से कि ये T1 है और T3 का कमिट टाइम लेट T2 है, तो ये सिनेरियो होना चाहिए. चेक कर लेते हैं. अगर आप देखो तो ये क्या है, ये है टाइम लाइन. ओके, और अगर मैं इन तीन सबका कमिट देखूं तो ये लेट से 10 o'clock है, ये 11 o'clock है, ये 12 o'clock, क्योंकि नीचे जाने पे टाइम बढ़ता है. तो 10 o'clock पे T1 कमिट हुई और 12 o'clock पे T3 कमिट हुई. ये 10 है, ये 12 है, कंडीशन होल्ड हो रही है. इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्केड्यूल क्या है, रिकवरेबल है. ओके, एंड दैट्स